आप सभी को सी न्यूज भारत परिवार की तरफ से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। फतेहाबाद में आज यानी 12 अक्टूबर को सुबह 8 बजे मतगणना का कार्य शुरू होगा। आपको बता दें कि पहला रुझान 9 बजे तक सामने आ जाएगा। जिले की तीनों विधानसभाओं फतेहाबाद, टोहाना व रतिया के लिए भेड़िया खेड़ा स्थित महिला कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर नितिन मुकेश आज यानी 12 अक्टूबर को जयपुर में प्रस्तुति देंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम सृजन दास पार्क संस्था की ओर से सुरेंद्र रवि बोरन परिवार के सहयोग से बिरला ऑडिटोरियम में शाम 6:30 पर होगा। जिले में आज यानी 12 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। बता दें कि शासन ने निगोशियल एक्ट के तहत आज विजयदशमी को लेकर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सार्वजनिक अवकाश की सूचना डीएम निधि श्रीवास्तव के द्वारा भी जारी की गई है। वहीं इमरजेंसी कार्य छोड़कर बाकी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। दुर्गू कोदल ग्राम पंचायत मेडो के आश्रित ग्राम चाहचाट में युवा क्रिकेट क्लब द्वारा 6 दिवसीय क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन आज यानी 12 अक्टूबर से किया गया। सीकर में सीएसडी कैंटीन शिफ्टिंग के विरोध में पूर्व सैनिक आज यानी 12 अक्टूबर की शाम 4 बजे 61 सवेरिया कैंटीन जयपुर के जीओसी इन एनसी व कैंटीन डायरेक्टर का पुतला जलाएंगे। बता दें निर्णय बीते गुरुवार को हुई कमेटी की मीटिंग में हुआ। बलीचा स्थित ध्यानोदय तीर्थ में निर्मित हुई अभिनंदन लक्ष्मी गौशाला का आज यानी 12 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे लोकार्पण किया जाएगा। बता दें कि समारोह की अध्यक्षता जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल करेंगे। विजयादशमी के मौके पर आज यानी 12 अक्टूबर को गांधी मैदान समेत 18 जगहों पर रावण वध कार्यक्रम होगा। बता दें कि गांधी मैदान को 4 भागों में बांटकर 4 सेक्टर पदाधिकारियों के नेतृत्व में 47 स्थानों पर 90 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। जयपुर के रामलीला महोत्सव का समापन आज यानी 12 अक्टूबर को भगवान राम के राज्याभिषेक के साथ होगा। आपको बता दें कि इससे पहले राम रावण युद्ध होगा और रावण वध के बाद रामलीला मैदान में रावण दहन किया जाएगा। वहीं न्यू गेट स्थित रामलीला मैदान में 4 साल बाद 51 फीट के रावण का दहन किया जाएगा। पटना में चिड़ियाघर आज यानी 12 अक्टूबर को बंद रहेगा। वहीं राजधानी वाटिका सहित पार्क प्रमंडल के अंदर आने वाले सभी पार्कों को बीते शुक्रवार की शाम 4 बजे के बाद से बंद किया जाएगा। बता दें कि लोग सुबह से शाम 4 बजे पार्कों में सैर कर सकते हैं। आईएमडी ने बताया है कि आज यानी 12 अक्टूबर को सुबह का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बता दें कि इस दौरान मौसम विभाग ने पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई चेतावनी भी जारी नहीं की है। वहीं मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि यूपी में दशहरा तक बारिश नहीं। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1860 में आज के दिन ब्रिटेन और फ्रांस की सेना ने चीन की राजधानी बीजिंग पर कब्जा जमाया। साल 1908 में आज के दिन प्रसिद्ध वैज्ञानिक आत्माराम का जन्म हुआ था। साल 1967 में आज के दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का निधन हुआ था। साल 1992 में आज के दिन मिस्र की राजधानी काहिरा में भूकंप से करीब 510 लोगों की मौत हुई थी। साल 2004 में आज के दिन पाकिस्तान ने गौरी 1 मिसाइल का परीक्षण किया। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।